हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। तो आज करेंगे कुछ धमाल बवाल। तो करना यार, बहुत दिनों से इच्छा थी कि बड़े साइज का ड्राइंग बनाऊं, इस साइज का A1 साइज में। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? ड्राइंग स्पेशल होगा और समय भी स्पेशल होगा। ये एक पेपर है मेरे पास, ये है पेपर। अच्छा, हमको सिखा रही है। काफी दिनों से इसे ऐसे ही रखा है। इसमें हम बनाएंगे वाटर कलर ड्राइंग। बहुत बड़ा साइज है यार, आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो। काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। और इसको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे अपने ईएसएल का, क्योंकि पेपर साइज इतना बड़ा है तो इसके बिना बनना तो बहुत ही हार्ड होगा। तो चलिए इसको सेटअप करते हैं, फिर इसको बनाएंगे जल्दी से, आराम से। यार मेरे पास ना कोई प्राइवेट रूम तो है नहीं, तो मैं ड्राइंग को यहीं पर बनाऊँगा। इसे दिन में ही बनाना पड़ेगा क्योंकि रात में यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो सब कुछ यहीं पर करना पड़ेगा और रात में भी प्रयास करूँगा बनाने का जितना भी हो सके। बस आप सपोर्ट करना यार मुझे। सबसे पहले हम बनाएंगे आउटलाइन को। उसके लिए मेरे पास रेफरेंस फोटो है। चलिए पहले आउटलाइन को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद कलर करेंगे। सो गाइस, अब मैं लग गया अपने काम पर, यानी कि ईएसएल के सेटअप पर जिस पर हम ड्राइंग बनाने वाले हैं। यहाँ पर यार जो मैंने पेपर रखा था ना, बहुत पहले से स्टोर करके रखा था, तो ये बहुत ज़्यादा मुड़ गया था। इसको सीधा करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। कुल मिला के इसको सेटअप करने में ही मुझे आधे घंटे से भी ऊपर का टाइम लग गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यार आपको मैं बता दूँ कि हम ड्राइंग किसका बनाने वाले हैं। हम ड्राइंग बनाने वाले हैं श्री रामचंद्र जी का, सीता माता के साथ में। इसको बनाने के लिए ना मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि ये मेरा सेकेंड टाइम है जब मैं इतने बड़े पेपर में ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ, जिसको वाटर कलर से बनाएंगे हम। इस काम को ना मैंने शाम में स्टार्ट किया था, तो बहुत जल्दी ही रात हो गई। उसके बाद ये है अपना दूसरा दिन। और यार दूसरे दिन में ना तकरीबन 2 बजे तक मैंने कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि मुझे घर में काम था, तो मैंने इस पर काम नहीं किया। अरे कहना क्या चाहते हो? ये क्योंकि मुझे घर में काम था तो मैंने इस पर काम नहीं किया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यार इस वाले आर्टवर्क में ना आउटलाइन को ही बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो इस आर्टवर्क में काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग वर्क है। और जिस आर्टवर्क में जितना ज़्यादा डिटेलिंग होगा उसको बनाने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। फिलहाल ये मेरा दूसरा दिन है, दूसरा दिन का नाइट, और अभी तक ये कम्प्लीट नहीं हुआ है। आज ये तीसरी सुबह है, आज बहुत लेट से उठा, तकरीबन 8:30 बजे उठा। पता नहीं यार इतना टाइम कैसे हो गया। कुछ और बाकी है फिनिशिंग टच के लिए आउटलाइन में, उसे कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, ये है अपना तीसरा दिन, और तीसरे दिन में ही हमारा आउटलाइन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो, टाइम तो मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन इसको बनाने में तकरीबन 10 से 12 घंटे का टाइम लग गया, जो कि मिनिमम है, मैक्सिमम का मुझे नहीं मालूम। देखो यार, टाइम जितना भी लगे लेकिन आउटलाइन बेस्ट होना चाहिए, जिससे आपका आर्टवर्क अच्छा बने। बाकी इसे बनाने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गया था मैं। को सेट ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक सेट ठोक दीजिए।